मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, आप लोग जैसा देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने इस क्या बोलते हैं अपने गांव के खेत में। देखो, खाद डालने जा रहे हैं खेत में, खाद डालने जा रहे हैं। मेरा भाई है, लेके जा रहा है साइकिल चला के, और मैं वीडियो बना रहा हूँ। सीधे चला, सीधे वाला रास्ता सही है, ये वाला रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है भाइयों, ये वाला बहुत दिक्कत परेशानी है। ये देख रहे हैं खेती बाड़ी होती है यहाँ पे, लोग गेहूँ बढ़ गया है, सरसों देख रहे हैं, सरसों ला पिल 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 क्या बोलते हैं तिलहन की खेती में जो ये पीला पीला होता है, पीली क्रांति। पीली क्रांति किसे कहते हैं? सरसों के फूल जो होते हैं वो पीले होते हैं, इसलिए पीली क्रांति तिलहन की फसलों की क्रांति से रिलेटेड होती है। हरित क्रांति देखिए, ये सब गेहूँ है जो सब हरा हरा होता है, धान भी बोए रहेंगे तो वो एक टाइम हरा रहता है, इसलिए उसको हरित क्रांति बोला जाता है। ठीक, और भी कुछ आप लोग जानना चाहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं, उस हम थोड़ा विचार विमर्श कर देंगे, बता देंगे। और क्या बताया जाए आपको दोस्तों, जैसा कि इधर देख रहे हैं सब खेती बाड़ी चलती है, गांव देहात है, और हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश की ये धरोहर है कृषि, क्योंकि हम लोग प्राचीन काल से ही खेती में निपुण रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि गेहूं जो है, देखिए ये देखिए गेहूं फूट रहा है, फूट रहा है का मतलब कि अब इसमें बाल आ रही है, अब इसमें गेहूं के बीज आएंगे, और जिसको हम लोग सुखा करके जब ये पक जाएगा तो इसको ले जा करके पिसाएंगे और खाएंगे रोटी बना के। हो, व्हाट ब्यूटीफुल मोमेंट। देखते रहिए आप लोग, जो कुछ भी कहना हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, रिप्लाई करें, और भी लोगों को जागरूक करें, ताकि खेती बाड़ी के बारे में कुछ गलत ना सोचें सभी लोग। खेती बाड़ी के खेती के व्यवसाय को भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, क्योंकि खेती को लोग असम्मान की दृष्टि से देखते हैं, नीच दृष्टि से कहते हैं ये मजदूरों का काम है, अनपढ़ों का काम है। अरे भाई, अगर देश का अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो तुम लोग तो खाए मर जाओगे, दुनिया में कोई अन्न उगाने वाला नहीं रहा तो। इसीलिए खेती बाड़ी के बारे में गलत ना सोचा करें।